तीर्मानं पै चर्च सागुतोंदी लाइव द्वारा चूद्दां। अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ, आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है उस आदमी के खिलाफ है जिसने की लोगों को मकान बना के दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के पीछे है जिसने की लोगों को पीने का पानी दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने शौचालय दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव उस आदमी के खिलाफ है जिसने सबों के घर में उजाला लाने की कोशिश की, गरीब के खिलाफ है। और जितने बहस होंगे सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का चीरहरण करेंगे, जैसे द्रौपदी का चीरहरण होगा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास से कि चाहे राम मंदिर बना दिया हो, 370 जो हमारी थी धारा उसारा तो हमने बना ही दिया। मैं केवल इतना कहता हूं सर कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, जयद्रथ, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, सभी मौन धारण किए हुए थे। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चीरहरण करेंगे तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा। हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सर रूल टीआर बालूजी, सॉरी 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 टीआर बालूजी, अरे बालूजी को बोलने दो, टीआर बालूजी, मैंने अलाउ नहीं किया बालूजी, आपने अलाउ किया। उधर की बात न कर, ये बता के काफिला कैसे लुटा। भारत माता इतना पेटेंट नहीं है, भारत माता 140 करोड़ लोगों की भारत माता है। ये गलत नैरेटिव चलाते हैं, ये नारी विरोधी है। इन्होंने नारी का अपमान किया, निशिकांत दुबे ने अभी अभी नारी का अपमान किया। ये वो व्यक्ति है जो जो टीआर बालूजी, ये वो व्यक्ति है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आदिवासी लोगों से पैर धुलवा करके प्रादीप मिलाते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने आदिवासियों से अपने पैर धुलवाए और उनको पानी पिलवाया। सर ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो 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 आपका रिपोर्ट नहीं जा रहा। ये वो व्यक्ति है जो आदिवासियों से पैर धुलवा करके पानी पिलाता है। सर मणिपुर पर चर्चा नहीं की, और ये जो है नफरत यार बालूजी, यहाँ पर भी नफरत फैलाने का काम किया इस व्यक्ति ने। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I support the no confidence motion on behalf of DMK. First of all, I start with Mr. Nishikant Dubey, who has ended his speech with reciting Mahabharata. I am also reminded of a particular episode wherein Krishna has advises Arjun to throw their aims at aims his bow towards his grandfather, kith and kin, friends and everybody. Right, but then, Avispas, Thirmanampai, Lok Sabha, Vadi Vedi, Chacha, Kunasagutondi.